श्रीदेवी की मौत को ज्यादा दिन नहीं हुए और जाह्नवी कपूर ने कर दिया ये काम। नाराज हुए पापा। श्रीदेवी के निधन के बाद कपूर खानदान काफी समय तक शौक में रहा, लेकिन फिर जाह्नवी के जन्मदिन के बाद शौक खत्म हुआ। जाह्नवी ने इस साल पहली बार अपना जन्मदिन अपनी आँ के बिना मनाया। श्रीदेवी खुद ये ही चाहती थी कि वह अपनी बेटी का जन्म बड़े ही धूमधाम से मनाए। इसी वजह से जाह्नवी ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया और इस मौके पर उनके साथ सोनम कपूर, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर समेत सभी कजन्स मौजूद थे। जाह्नवी के बर्थडे पर उनके सभी फंस उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे थे। हालांकि वे सभी को तो रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसी बीच इन्होंने एक शख्स को जवाब दिया, जिसके बाद हर जगह बस यही चर्चे होने लग गए थे। हर कोई बस यही बात कर रहे था कि क्या जाह्नवी कपूर माँ के निधन के बाद जाह्नवी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबरों की माने तो इस दौरान जाह्नवी का नाम अक्षत रंजन के साथ जोड़ा जा रहा है। उनको जाह्नवी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों ही ने इस बात को सच नहीं बताया है। आपकी जानकारी के लिए बाटा 1 की जाह्नवी का जन्मदिन 6 मार्च को था और इस दौरान अक्षत ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अक्षत ने दिल वाला इमोजी भेजते हुए हैप्पी बर्थडे लिखा। फिर इसके बाद जाह्नवी ने उन्हें जवाब में आई ली लिखा, अब इसका मतलब तो आप सभी को काफी अच्छे से मालूम है। जैसे ही जाह्नवी ने खुलकर अक्षत को आई लव यू लिखा, उसी दौरान से हर कोई जाह्नवी और अक्षत को बधाई देना शुरू हो गया था। खबरों की माने तो बताया जाता है अक्षत कपूर परिवार के काफी करीबी हैं। जाह्नवी ने जिस तरह से अक्षत को जवाब दिया, उसके बाद हर कोई ये ही अंदाजा लगे जा रहा है कि जाह्नवी और अक्षत के बीच में कुछ तो चल रहा है। इनके इस कमेंट पर कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए। लोगों ने कहा कि अभी तो माँ का निधन हुआ है, ये सब कुछ समय बाद कर लेना चाहिए था। जाह्नवी के इतने जल्दी इस फैसले को देखने के बाद श्रीदेवी के चाहने वाले जाह्नवी से काफी नाराज हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि श्रीदेवी के दुनिया से जाए हुए अभी कुछ ज्यादा समय ही नहीं हुआ है और उनकी बेटी सभी के सामने प्यार का इजहार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जाह्नवी को ऐसे खुलकर नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उनकी माँ का निधन को ज्यादा समय नहीं हुआ है और उन्हें इस समय अपन करियर का सोचना चाहिए।